हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवशंकर शेफ चैनल। आज आप देखेंगे पैन फ्राइड चिल्ली फिश कैसे बनाएं, बहुत ही शॉर्टिक रेसिपी। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए बोनलेस फिश जो हमने ले रखा हूँ। अब इसको करेंगे क्या, इसको हम हलाल करेंगे, नहीं पीस बनाएंगे, हलाल नहीं पीस बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले पीसेस कैसे बनाते हैं हम पैन फ्राइड चिल्ली फिश के लिए, वो आप देख ले फ्रेंड्स। और घर पर बनाने के बाद एक बार शिवशंकर सेफ को जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब अगर आप नए आए हैं चैनल पे, तो आप लोगों को दिल जीतने के लिए ऐसे ही शिवशंकर सेफ अच्छा से अच्छा रेसिपी लेके आता रहेगा और आप लोगों को दिल जीतता रहेगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, साथ में हमने रेड कैप्सिकम जो है हम ऐड करने वाला हूँ डाइस कटिंग में, जो आपको चिली में चिली फिश या चिली पनीर या चिली चिकन जो भी कुछ बनाते हैं तो उसमें आप किस हिसाब से ऐड करते हैं उसी पीसेस के हिसाब से हम इसको पीसेस बना रहे हैं, है ना फ्रेंड। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शिवशंकर सेफ आपके लिए लेके आता रहता है। हम आपको बारीक बारीक से इसलिए दिखला रहे हैं क्योंकि आपको कटिंग करना है, मतलब पीसेस बनाना है, कैसे पीस बनाना है, किस शेप में काटना है, ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप ये चीज़ को गौर से देखिएगा, जो पीसेस कैसे बनाते हैं, होटल्स पे कैसे कटिंग करते हैं शेफ लोग, कैसे आप लोगों को दिखलाते हैं। और हम जो आपको दिखला रहे हैं इस शेप में कटिंग इसलिए दिखला रहे हैं, सबसे पहले वेजिटेबल काटने से पहले वॉश कर ले, क्या करना है, वॉश कर लेना है। ऐसे ही आपको धोने के बाद जो है आप कटिंग करें, इसको हम लोग बोलते हैं डाइस कटिंग। डाइस कटिंग में आपको ऑनियन लेना है, कैप्सिकम लेना है, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम। अब इसमें ऐड करना है इंटरेस्टिंग रेसिपी में रेड चिली। रेड चिली आपको डाइस कटिंग में लेना है। ये रेड चिली कौन सा है, जो ग्रीन चिली पक जाता है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और मार्केट में प्योर रेड चिली मिलता है जो पकने से पेड़ में ही वो लाल हो के आता है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसका फ्लेवर और उसका टेस्ट अलग होता है। और ये रहा फ्रेश स्प्रिंग ओनियन। फ्रेश स्प्रिंग ओनियन हम आपको ये देखिए किस शेप में, फिंगर शेप में, छोटा सा फिंगर शेप में काटते हैं, और उसका पीछे का जो साइड का जो होता है वो थोड़ा सा मोटापन होता है, उसको बीच से आप फाल ले और उसका बाद कटिंग करें तो वो फटाफट पक जाता है। अब हम लेते हैं एक चाइनीस वक, जिसमें ऐड करते हैं रिफाइन ऑयल। अब आप लोगों के बीच झटपट और चटपट में बनने वाला है पैन फ्राइड चिली फिश। तो ये देखिए हमने तेल में ऐड कर दिया गार्लिक चॉप किया हुआ, जिंजर बारीक बारीक से काटा हुआ, और वो चिली जो आपने काटे थे रेड कलर का वो आपको ऐड कर लेना है। और साथ में आपको ऐड करना है फ्रेंड्स कैप्सिकम वगैरह जितना भी हम काटे हैं उसको आपको ऐड करना है, और इसको कम स्टीम में आपको पकने देना है, कुकिंग होने देना है, क्योंकि ये वेजिटेबल 50% कुकिंग होना है। फुल कुकिंग नहीं भी होता है तो चाइनीज़ फूड जो एक्चुअली 50% ही कुकिंग होता है। अब ये देखिए फिश को फ्राइड नहीं करना है, इसीलिए इसको बोला जाता है पैन फ्राइड फिश। पैन फ्राइड फिश इसलिए बोला जाता है, और साथ में वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, स्वाद अनुसार नमक आपको ऐड करना है, और उसका बाद आपको और भी कुछ ऐड करना है क्योंकि आप यहाँ पे स्किप करने वाले हैं। रुकिए, स्किप मत कीजिए। ये देखिए हमने इसमें चिली पेस्ट या आप चाहें तो सिजवन सॉस ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं टमेटो केचप जो होता है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। और ये रहा स्प्रिंग ओनियन काटा हुआ पीछे का साइड का जिसको बोलते हैं, जो वो बहुत ही फायदेमंद होता है पेटों के लिए भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए फ्रेंड, अब हम गेस्ट के सामने कैसे सर्व करेंगे प्लेट में सजा के, ब्लैक में रेड, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उतना ही ज़्यादा फ्रेंड खाने में टेस्टी है। तो उम्मीद करूँगा ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपी आप लोगों के बीच शिवशंकर सेफ लेके आता ही रहेगा, और आप लोग देखने के बाद कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी।